कोटा शहर के छावनी स्थित एक रेस्टोरेंट में श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर मेहरा ने बताया कि कोटा शहर के खंडेलवाल वैश्य भवन में 20 से 26 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथा व्यास रमाकांत महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की जाएगी। कथा का उद्देश्य कथा के माध्यम से डोनेशन इकट्ठा करके नारायण सेवा संस्थान द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। कथा के माध्यम से नर नारायण की सेवा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अगर मनुष्य में अगर कोई कथा सुने और संस्कार जाग जाए कि भाई हम कोई गरीबों का भला करें, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। किस तरह का कार्यक्रम है और कितने दिन चलेगा? सर, ये कार्यक्रम 20 से 26 तक चलेगा और 7 दिन की भागवत जी होगी और कल से कलश यात्रा प्रारंभ है। और जो धम्मा ज्ञान जी व्यास महाराज जो पधारे हैं ग्वालियर से हैं रावसर धाम, यहाँ कथा शुरू करने से पहले मैं खुद शुक्रताल गया था और मैं 7 दिन तक रह के मैंने इनकी कथा सुनी है और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। कथा के माध्यम से आप असहायों की सहायता भी करना चाहते हैं? कथा के माध्यम से जैसा मैंने बताया कि मेरी बिटिया ने संकल्प लिया है कि हर साल वो जो 21 रुपया जो भी इसका सैलरी आएगा वो नारायण सेवा संस्थान डोनेट ता जिंदगी करेगी। कितने असहायों की सेवाएँ की जाएगी जो आप कह रहे हो कि लगभग इसमें असहाय व्यक्तियों बच्चों की? ये जो कथा का आयोजन है इसमें तो ऑल ओवर इंडिया सभी सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा नहीं तो भी 1500 ऐसे दानदाता हैं जो अभी तक हमारे संपर्क में आए हैं, जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। कलश यात्रा में रूट क्या रहेगा और क्या उसकी व्यवस्था रहेगी? कलश यात्रा में वो महाराज जी के साथ है 51 महिलाओं के। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर शाखा कोटा, कोटा शाखा संयोजक रवि कुमार झंवर, आप सभी को निवेदन कर रहा हूँ कि कथा के माध्यम से जो हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम चलता है कि कथा भागवत कथा 7 दिन की जो हो रही है, इसके माध्यम से जो भी सेवा आती है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो सब सेवा नारायण सेवा संस्थान के उदयपुर जो वड़ी में हॉस्पिटल है जहाँ दिव्यांगों का इलाज निःशुल्क होता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, जो दानदाता है उनके माध्यम से ही उनका इलाज किया जाता है। और वहाँ पर 100-200 ऑपरेशन डेली के होते हैं।